वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती की मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये देखते हैं। जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो हमें मेजरमेंट जो है वो अच्छे से लेनी पड़ती है। जब हम मेजरमेंट गलत लेते हैं तो हम कुर्ती की कटिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते, वो उसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं आती और इसकी कटिंग भी गलत हो जाती है। तो इसीलिए मेजरमेंट जैसे जितनी ज़रूरी हमारी कटिंग फिटिंग होती है उतनी ज़रूरी हमारी ये मेजरमेंट होती है। जब हम कुर्ती की मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पे हमें पहले लंबाई नापनी पड़ती है। जैसे ये जो शोल्डर है हमारा जॉइंट, यहाँ से हमें पूरी लंबाई लेनी है। यहाँ पे हमारी लंबाई आती है 36 इंच। ये जो है यहाँ पे हमारी ये पूरी लंबाई है, जितनी भी होगी आपकी कुर्ती की लंबाई आपको लेनी है। जैसे पूरी लंबाई जो है वो आपको नापनी है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरी लंबाई आपको नाप के दिखाई है। जितनी आपकी लंबाई होगी लंबाई में आपको 2 इंच प्लस करना है। जैसे ये लंबाई जो है यहाँ पे हमारी ये पूरी लंबाई है, लंबाई में आपको 2 इंच प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो शोल्डर है, इस तरह से ये जो शोल्डर है, शोल्डर को हमें इस तरह से सीधा रखना है। यहाँ पे हमें इस तरह से शोल्डर को रखना है, जैसे गला जो है। और यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स जॉइंट हुई है, यहाँ से यहाँ तक हमें ये शोल्डर नापना है। तो ये शोल्डर आता है हमारा 13 इंच। उसके बाद यहाँ पे हमें गले को नापना है। गला है हमारा तैयार 6.5 इंच। यहाँ पे हमें जैसे आर्मोल जो होता है यहाँ पे बाजू का, यहाँ पे जो नाप लेते हैं ये चेस्ट का नाप होता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको चेस्ट का नाप लेना है। ये आता है हमारा 18 इंच। यहाँ पे हमने चेस्ट का नाप निकाला है 18 इंच। चेस्ट का हाफ है हमारा 18 इंच, उसका डबल करेंगे तो 36 इंच आता है। उसके बाद यहाँ पे हमें कमर का नाप लेना है। कमर का नाप है हमारा 16 इंच, यानी कि डबल करने से 32 इंच। उसका जो एक साइड जो है यहाँ पे हमारा 16 इंच आता है, तो इसके डबल करने से ये 32 इंच आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे कट होते हैं, यहाँ पे हमने ये जो कट लगाए हैं, यहाँ पे कट पे हमें ये सीट घेर का नाप आता है। यहाँ पे हमें इस तरह से इसको सीट घेर का नाप यहाँ पे आता है। जैसे कट के ऊपर हम सीट घेर का नाप लेते हैं तो ये आता है हमारा 20 इंच। तो एक साइड का आता है हमारा 20 इंच और बैक साइड जो है वो 20 इंच, यानी कि 40 इंच होता है। जैसे यहाँ पे हमने सीट घेर का नाप लिया, ये जो हमारे कट है आते हैं, तो यहाँ पे हमने सीट घेर का नाप लिया है। तो यहाँ पे हमें नीचे जो है, यहाँ पे हमें घेरा जो है वो नापना है। इस तरह से हमें ये घेरे का नाप लेना है। ये आता है हमारा 22 इंच। यहाँ पे हमने घेरा लिया है, ये आता है हमारा 22 इंच। तो नीचे के साइड में हमने घेरा लिया है। तो ये पूरे नाप जो है इस तरह से आपको लेने हैं। जैसे पहले हमने लंबाई ली, लंबाई में आपको 2 इंच प्लस करना है। उसके बाद हमें शोल्डर लिया, यहाँ पे हमने ये स्लीव्स से इस स्लीव्स तक जो जॉइंट किया है, जॉइंट स्लीव्स की है, यहाँ से यहाँ तक हमने नापा है। तो ये हमने शोल्डर का नाप निकाला है। उसके बाद यहाँ पे हमने आर्मोल के साइड से यहाँ पे हमने चेस्ट का नाप निकाला है। उसके बाद यहाँ पे हमें जैसे कमर, यहाँ पे हमें चेस्ट और ये जो कट होते हैं इसका सेंटर निकलता है, तो ये हमारा कमर का नाप निकलता है। तो यहाँ पे हमने कमर का नाप लिया। उसके बाद ये जो हमने कट लगाए हैं, तो कट के ऊपर हमने सीट घेर का नाप लिया और नीचे के साइड में हमने ये पूरा घेरा नापा है। और उसके बाद जैसे फ्रंट और बैक साइड का आपको नेक नापना है, यहाँ पे हमने फ्रंट का नेक नापा था और बैक का भी नेक हमें लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है। आपको छोटी चाहिए तो आप 4 इंच 5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 3/4 स्लीव्स ली हैं, तो 3/4 स्लीव्स है हमारी 15 इंच। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये बॉटम है, बॉटम नापना है। बॉटम आता है हमारा 4 इंच।
तो यहाँ पे मैंने आपको ये मेजरमेंट लेके दिखाई है कैसे लेनी है। तो जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो लंबाई में आपको 2 इंच प्लस करना है, उसके बाद शोल्डर लेना है। शोल्डर जैसे गला आपको 2.5, 3.25 या 3 इंच पे लेना है। शोल्डर जो है शोल्डर का हाफ आपको लेना है। चेस्ट में जैसे आपका सिलाई में ज़्यादा नहीं जाता है तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो भी चलता है, नहीं तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जो इतना नाप आता है हमारा, जैसे 36 इंच आया है तो उसका 1/4 निकाल के हमें 2 इंच प्लस करना है। कमर का हमारा 32 इंच आया है तो उसका 1/4 करना है और इसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सीट घेर का जो नाप लेते हैं उसमें हमें 1 ही इंच प्लस करना है। जितना हमारा सीट घेर आता है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि 1 इंच जो है यहाँ पे जो है ये हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 2 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच किस लिए लेंगे, जैसे अंदर के साइड में ये फोल्ड हो जाता है यहाँ पे हमारे ये कट तैयार हो जाते हैं। घेरे में भी हमें 1 इंच ही लेना है, क्योंकि ये जो है यहाँ तक हमारा ये जो है फोल्ड हो जाता है, इसीलिए हमें नीचे के साइड में घेरे में भी आपको 1 इंच ही लेना है। जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो स्लीव्स जो है स्लीव्स अपने हिसाब से, जैसे छोटी चाहिए तो छोटी लेनी है तो इसमें भी आप 1.5 इंच प्लस करते हैं, या बड़ी चाहिए तो आप बड़ी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये 3/4 स्लीव्स का लिया था, तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स जो है वो 15 इंच आई है। तो फ्रंट और बैक साइड का नेक आपको लेना है, तो वो कैनवास पेपर पे कटिंग करके, जैसे 6.5 इंच हमारा नेक है फ्रंट साइड का तो हमें 7 इंच लेना है, तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाता है। इस तरह से आप ये जो मेजरमेंट लेने कैसे लेते हैं ये मैंने आपको बताया है। इस तरह से मेजरमेंट लेके आप कुर्ती की कटिंग करोगे तो कुर्ती की कटिंग भी अच्छी आएगी और कुर्ती की फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।